एनसीआर में होटलों में अय्याशी करने और अपने महंगे शौक पूरे करने बाइकें चोरी कर बेचने वाले एक शातिर वाहन चोर गिरोह का मुरादाबाद पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने एक नाबालिग समेत चार बदमाशों को गिरफ्तार कर चोरी की 14 बाइकें बरामद की है। पकड़े गए बदमाशों में से एक आईटीआई की पढ़ाई कर चुका है और पिछले काफी समय से एनसीआर में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पिछले काफी समय से मुरादाबाद जनपद के डिलारी थाना क्षेत्र में पुलिस को बाइक चोरों के सक्रिय होने की जानकारी मिल रही थी। पुलिस ने देर रात नारायणपुर तेजू गांव के पास एक खंडहर में छापा मारकर चोरी की 14 बाइकों को बरामद कर लिया। पुलिस ने मौके से एक नाबालिग युवक समेत चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों में संदीप कुमार, नरेंद्र, महेश और एक नाबालिग शामिल है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाश भीड़ भरे बाजारों से लोगों की बाइकें चुराया करते थे और इन बाइकों को देहात क्षेत्रों में जाकर बेच दिया करते थे। आईटीआई पास है शातिर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी देहात उदय शंकर के मुताबिक संदीप कुमार इंटर पास करने के बाद आईटीआई का कोर्स कर चुका है और काफी समय तक नोएडा में रहकर नौकरी करने के बाद वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देने लगा। संदीप ने सबसे पहले नोएडा में बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद ये मुरादाबाद जनपद में आकर वाहन चोरी करने लगा। पुलिस ने बताया कि बाइक चोर गिरोह के सदस्य अपने महंगे शौक पूरा करने के लिए बाइक चोरी करते थे और इन बाइकों को बेचकर जो पैसा मिलता था उससे वो नोएडा दिल्ली के महंगे होटलों में जाकर अय्याशी करने और मॉल में जाकर शॉपिंग करने में पैसा उड़ाते थे। पुलिस बदमाशों के और साथियों की तलाश कर रही है। अभी तक गिरोह के सदस्यों द्वारा 50 से ज्यादा बाइक चोरी करने की घटनाओं को अंजाम देने की जानकारी मिली है। एनीवन न्यूज के लिए मुरादाबाद से वाजिद अली की रिपोर्ट।